हाय सो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अकबर का मकबरा देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, हम यहाँ पर आ गए टिकट काउंटर पर और यहाँ पर ये मैंने टिकट ले लिया। ये 25 रुपये का टिकट है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं अकबर से जुड़ी सारी मालूमात हासिल करने वाले हैं और इसके बारे में आपको फुल हिस्ट्री में डिटेल देने वाले हैं। तो व्यूवर्स, ये आपको जो इमारत दिख रही है, ये सिकंदर लोदी के ज़माने की इमारत है। देखिए इसको अंदर से देखते हैं। तो व्यूवर्स, अकबर से पहले यहाँ पर सिकंदर लोदी 1503 में आया था। उसने यहाँ पर एक सिकंदरा नामक नगर की स्थापना की थी, तभी यहाँ से सिकंदर नगर इसका नाम पड़ गया। तो व्यूवर्स, आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये है कांच महल। इसको जहांगीर ने बनवाया था, अकबर के बेटे ने। इसको बनाने में कम से कम 14 साल लगे थे। पर बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई है, सुराही है, आपको बहुत सारी डिज़ाइन इसमें मिलेंगी देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका गेट है, ये सबसे बड़ा गेट है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चिन्ह मिलेंगे, जैसे ये देखिए सुराही है, कमल वगैरह, ये सब चीज़ आपको दिख रहे हैं। ये सब आपको, ये अकबर ने चलाया था 1582 में, दीन इलाही उसी के उस पर ये चले थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्क भी है बहुत सारे, यहाँ पर खेलने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए यहाँ पर आराम भी करते हैं। देखिए जैसा कि आप, यहाँ पर पार्क है, सब तरफ यहाँ पर पार्क ही पार्क आपको नजर आएंगे। बहुत मस्त नज़ारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है घूमने में। अकबर सभी धर्मों को यहाँ पर जोड़ना चाहते थे, उन्होंने दीन इलाही भी चलाया था। तो यहाँ पर आपको इस मकबरे पे यहाँ पर जो गुम्बद है, आपको यहाँ पर सब नज़र आ जाएगा। ये जो 172 फीट ऊंची मीनार है, आपको इस पर सब धर्म नज़र आ जाएंगे। जो आपको यहाँ पर इस पर ब्लैक में वाइट में जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है, वो क्रिश्चियन डिज़ाइन है। और जो आपको यहाँ पर एक कमल, गेट पर एक कमल नज़र आ रहा है, ये हिंदू डिज़ाइन है। और यहाँ पर आपको ये मुस्लिम डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये आपको उर्दू में, ये आपको मुस्लिम डिज़ाइन है। तो जैसा कि आपको ये गेट नज़र आ रहा है, ऐसा ही आपको सेम अंदर देखने को मिलेगा यही गेट। इसी गेट को देखकर एक ताजमहल में सेम ऐसा ही गेट बनवाया गया था। 1602 में अकबर ने जिंदा रहते हुए ये गेट बनवाना शुरू कर दिया। 1613 में अकबर के बेटे जहांगीर ने इस गेट को पूरा करवाया था। तो इस गेट को कहा जाता है जहांगीरी गेट, और बाकी के तीन गेट इस्तेमाल में नहीं है, ये सबसे मेन दरवाजा है। यहाँ पर 25-25 एकड़ के प्लॉट पड़े हैं, जो अब गार्डन है।
तो व्यूवर्स यहाँ पर घूमने में बहुत मज़ा आता है, व्यूवर्स बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर आकर। घूमने लायक जगह है व्यूवर्स, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 300 से ज़्यादा हिरन है और मोर भी यहाँ पर काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, इसी में अकबर का मकबरा है। आपको जो यहाँ पर नीचे वाली बिल्डिंग है ये अकबर ने बनवाई थी, और जो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर की बिल्डिंग है ऊपर इसकी, तो वो जहांगीर ने बनवाई थी। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको अकबर की कब्र के पास, जहाँ पर अकबर की कब्र है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ पर आपको ये इसको कहा जाता है गोल्डन हाउस, क्योंकि यहाँ पर पहले सोना ही सोना लगा हुआ था। यहाँ पर पहले लड़ाई चलने के बाद यहाँ पर आग लगा गई थी, तो अभी यहाँ पर ये सब काला काला हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले ये सब यहाँ पर गोल्ड लगा हुआ था, और यहाँ से सब सोना लूट कर ले गए। जैसा कि आपको यहाँ पर ये लैंप दिख रही है, ऐसी 5 लैंप बनाई गई थी, 2 ताजमहल में और 2 फतेहपुर सीकरी में, और एक यहाँ पर है। और यहाँ से आप वो वाला गेट देख सकते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, यहाँ से आपको ये गेट भी दिख जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बहुत अहम कब्र दिखाने वाला हूँ, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बराबर वाले कमरों में अकबर की 2 बेटियों की कब्रें हैं, तो चलो वो भी देखते हैं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये अकबर की 2 बेटियों की कब्रें हैं, एक कब्र है आरंबानो की, दूसरी है शकुनिशा की। व्यूवर्स अब मैं आपको कक्कनी से शकुनिशा की कब्र दिखाऊंगा, और दो उसके 2 बच्चों की कब्र है, एक लड़का और एक लड़की की कब्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये दूसरी कब्र आरंबानो की है। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।